कौन आई है? आज से 15 साल पहले की बात है। बचने के लिए जगह ही नहीं। उत्तराखंड राज्य को गठन हुए 21 साल पूरे हो गए हैं और राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इतने साल बाद भी प्रदेशवासियों के बीच ये सवाल अभी भी बरकरार है कि जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, क्या प्रदेश उन नीतियों पर आगे बढ़ रहा है। लोग आज भी सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, या यूं कहें कि मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हालत जस के तस है। विकास न होने से पलायन बड़ी समस्या बना हुआ है। उत्तराखंड अच्छी तरक्की कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड में एक जो आवश्यकता है इस वक्त, तो रोज़गार की आवश्यकता है। जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक रोज़गार के लिए दिल्ली की तरफ या नीचे के एरियो में नौकरी के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कोरोना में काफ़ी जो बच्चे थे वो दिल्ली को छोड़कर अपनी अपनी जगह पर वापस आए, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला सारे बच्चे वापस अपने अपनी नौकरी की तरफ मूव ऑन हो गए हैं। क्या हमारी भारत उत्तराखंड सरकार जो है ऐसा कोई रोज़गार या मुहैया यहाँ कि हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की नीतियाँ हमारे नेताओं और हमारे विशेष तौर पर हमारी आईएएस लॉबी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी को बनानी चाहिए थी, उत्तराखंड की नीतियाँ उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, उसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उसमें पर्याप्त कार्य नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात मैं आज ये समझता हूँ कि इस राज्य की जो कि हिमालय राज्य है, इसकी आज तक बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुझे कोई नीति नहीं बनी कि राज्य आखिर किस नीति में चलेगा, चाहे पर्यटन में चलेगा, चाहे कृषि में चलेगा, या जल, जंगल, जमीन को लेकर कर खनन को लेकर कर चलेगा। इस तरह की कोई नीति नहीं डेवलप हुई है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे यहाँ जो पलायन की स्थिति है उसको रोकना चाहिए। ये स्थापना दिवस की मैं सबको बाबा बधाई भी देना चाहता हूँ, और साथ साथ में जिस मकसद से हमारा प्रदेश बना था वो मकसद से भटक चुके हैं यहाँ के नेता। जो भी दो दल हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो राज किया हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनके कार्यकाल में आपने देख चुके हैं 21 साल में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे प्रदेश का, और बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई ऐसा कार्य नहीं किया। स्वास्थ्य सेवा जो हमारे उत्तर प्रदेश के टाइम से थी वही हैं, जो शिक्षा की जो सेवा जो उत्तर प्रदेश के समय से थी वही हैं, और आप देखो कि अगर उद्धार अगर हुआ है तो इन 21 सालों में यहाँ के जो नेता हैं, जो 21 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनका उद्धार जरूर हुआ, उनका विकास जरूर हुआ है। पलायन की आप बात करें, हमारे पूरे के पूरे पहाड़ खाली हो गए हैं। आप पलायन की बात करें तो आप पूरा कॉन्क्रीट बेच खाया है पूरे प्रदेश के नेताओं ने। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2020 को जन्मा उत्तराखंड 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। इन सालों में यहाँ बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता ही रही है। इन 21 सालों के सफर पर निगाह डालें तो राज्य ने काफी कुछ हासिल किया है, इसके बावजूद पहाड़ों पर विकास की चुनौतियां बरकरार हैं। मैं सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये राज्यवासियों के लिए एक महान दिन है और ये उनकी सामूहिक उपलब्धियों से प्राप्त दिवस है, इसलिए इसका और ज़्यादा महत्व है, और मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रश्न जहाँ तक क्या खोया क्या पाया, हमने पाया ही पाया है, खोया तो हमने इसको पाने के लिए, और जिस अनुरूप राज्य बना है, और मैं समझता हूँ तुलनात्मक रूप से हमने अच्छी तरक्की की है। दो राज्य जो हमारे साथ बने थे उनके पास प्राकृतिक संसाधन हमसे ज़्यादा समृद्ध थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य ने बिना किसी ढांचागत सुविधाओं के बहुत तरक्की की, और आज हम राष्ट्रीय औसत आय में और राजस्व वृद्धि दर में, शिक्षा में, बहुत सारे क्षेत्रों में जो विकास के मापदंड माने जाते हैं उनमें अग्रगणी राज्यों में है। बिल्कुल, जो माइग्रेशन हो रहा है पूरे हमारे प्रदेश स्तर के लिए बहुत ही घातक है, और क्योंकि यहाँ की जवानी सारे युवा जो है पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है। सुदूरवर्ती क्षेत्र पे समान रूप से विकास हो ही नहीं रहा है, विकास धरातल पर नहीं है, और जो यहाँ से जो पलायन हो रहा है उत्तराखंड में बहुत ही आने वाले समय के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है, मैं कहना चाहूँगा। वहीं अल्मोड़ा में भी उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना योगदान दिया।
उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य था वो अपनी पहचान से मंजित था, तो एक हमारी पहचान का आंदोलन था, उत्तराखंड हमको मिला। लेकिन अभी तक इस राज्य सरकार ने जो एक बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक पहचान होती किसी भी राज्य की राजधानी, आज भी वो उससे महरूम है। और कांग्रेस ने उस दिशा में शुरुआत की थी, गैरसैंण में वो तमाम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बनाए थे, विधानसभा भवन से लेकर सत्र शुरू किए थे। हमको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वादा किया था हम आएंगे तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना करके राज्य के राजधानी के प्रश्न का समाधान करेंगे, लेकिन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कोई। भले ही उत्तराखंड को अलग राज्य बने 21 साल पूरे हो गए हों, लेकिन हकीकत यही है कि विकास के नाम पर सरकारें आज तक जनता को छलते आई हैं। राज्य के बड़े बड़े शहरों में भले ही राज्य स्थापना की धूम हो, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी ग्रामीण अंधेरे के साए में हैं, जंगली जानवरों के खौफ में हैं और बिना शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा के भी जी रहे हैं। इसका जवाब आज राज्य के उन जनप्रतिनिधियों के पास भी नहीं है जो उत्तराखंड राज्य के बेहतर विकास का ढिंढोरा जनता के बीच लगातार पीट रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।